चलो बच्चों चालू करते हैं इसके साथ। तो बच्चों आज हम लोग गॉस थ्योरम के डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं। क्या क्या डेरिवेशन है इधर देखो बच्चे। सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो ये है कि जैसे मान लो एक वायर है, एक वायर है, उसके ऊपर चार्ज चार्ज रखा हुआ है, ऐसे चार्ज प्लेस है। इसे हमने पढ़ा था, इसे क्या कहते हैं कोई बच्चा बताएगा? एक वायर के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसे क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक वायर वायर की लेंथ पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यस सर। मान लो ये वायर इनफाइनाइट है। वैसे तो इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, इनफाइनाइट वायर होता नहीं है कुछ भी। तो लेट अस टेक दिस वायर इज इनफाइनाइट वायर। अब क्या है बच्चों, हमें क्या करना है? जैसे मान लो एक पॉइंट है पी पॉइंट, एक पॉइंट है पी पॉइंट, एक वायर से दूरी पे, कुछ दूरी पे एक पॉइंट है पी पॉइंट। कितनी दूरी पे? वायर से आर डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट है पी। इस वायर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमें ये निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकालना है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस दिस वायर। अब इसे करना कैसे है? देखो बच्चों, इसे ऐसे करेंगे, इसे ऐसे करेंगे कि यहाँ पर हमें गॉस थ्योरम लगानी पड़ेगी। गॉस थ्योरम में क्या होता है देखो बच्चों, एक हमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं, इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। वो इमेजिनरी सिलेंडर कुछ ऐसा होगा कि वो उस कुछ पार्ट इनक्लोज कर लेगा ऐसे। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर हमने ड्रॉ कर दिया, देख रहे हो बच्चे? ये क्या है? एक यस सर। इमेजिनरी इमेजिनरी सिलेंडर। सिलेंडर यस सर। बट इसमें एक चीज का हमने ध्यान रखा, इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो कि इमेजिनरी सिलेंडर का जो रेडियस हो यस सर वो किसके बराबर हो? वो डिस्टेंस के बराबर हो जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वायर से। समझे बच्चों? यस इमेजिनरी सिलेंडर का जो रेडियस हो वो उस डिस्टेंस के बराबर हो जिस डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसके बराबर हो। ठीक है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया। सर रिपीट कर। हाँ बच्चे फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो बच्चे, हमारा काम है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस। हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपको एक वायर से एक पी पॉइंट दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट यस पी सर। पॉइंट ड्यू टू दिस वायर, इस वायर की वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसके लिए आपने क्या किया, एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। इसे आप कहेंगे इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर। आपने यस सर। जो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया है, आपने जो इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ किया उसका रेडियस उतना ही लेना है जितनी दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जैसे मान लो हमें आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने उसका रेडियस क्या लिया? आर ले लिया, आर। आर यस सर। की रेडियस ले लिया। तो इस तरीके यस से सर। हमारी फिगर बन जाती है। तो हमारा काम क्या यस है, सर। हमें हमें आर आर दूरी पे एक वायर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालना है? यस। एक एक वायर से आर डिस्टेंस पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड निकालनी है। चलो अच्छा आगे बढ़ते यस हैं। सर। तो इसमें क्या यूज होगा बच्चे? इसमें गॉस के दोनों ही फॉर्मूले यूज होते हैं। गॉस। यस सर। एक तो फ्लक्स, फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यस सर। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो हम आपको बता रहे थे बच्चों, हमने आपको लास्ट क्लासेस में क्या पढ़ाया है? हमने आपको बताया है जैसे कोई चार्ज रखा होता है तो चार्ज अपने आसपास फ्लक्स एमिट करता है। चार्ज अपने आसपास क्या एमिट करता है? फ्लक्स एमिट करता है। जैसे मान लो ये सिचुएशन है, हमारे पास ये वायर है, इस वायर से फ्लक्स निकलेगा ऐसे आसपास, यू फ्लक्स निकल रहा है, देख रहे हो? फील्ड निकल रही है, फ्लक्स निकल रहा है, ये एमिट कर रही है वायर, देख रहे हो भाई? ये बच्चों यस सर। यस सर। दिस वायर इज एमिटिंग फ्लक्स। तो अब ये जो हमने सिलेंड्रिकल सरफेस लिया है, सिलेंडर में कितने सरफेस होते हैं हम ये पहले देख लेते हैं। सिलेंडर में तीन सरफेस होते हैं। एक ये कर्व सरफेस, देखो ये सिलेंडर के अंदर तीन सरफेस होते हैं। जैसे एक सिलेंडर शेप है, तो सिलेंडर कंटेन्स थ्री सरफेसेस। फर्स्ट इज दिस सरफेस, सेकेंड इज दिस सरफेस एंड थर्ड इज दिस। वी हैव दीज थ्री सरफेसेस, हमारे पास ये तीन सरफेसेस हैं। और समझ रहे हो बच्चे? तीन सरफेस हैं यहाँ पे।
जो फ्लक्स एमिट होगा वो इन तीन सरफेस से निकलेगा, जो फ्लक्स एमिट होगा अंदर अंदर क्योंकि वायर है वो तीन सरफेस से बाहर आएगा, फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस और थर्ड सरफेस। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, जितना नेट फ्लक्स एमिट होगा, नेट फ्लक्स कितना एमिट होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट सरफेस से पास होगा, ई डॉट ए फॉर फर्स्ट सरफेस प्लस ई डॉट ए फॉर सेकंड सरफेस, या फिर ई ए कॉस थीटा ऑफ सेकंड सरफेस प्लस ई ए कॉस थीटा ऑफ थर्ड सरफेस, ऐसे। सर डाउट था। हाँ बच्चे बोलो। सर ये सिलेंडर क्यों बनाया हमने वैसे? हाँ बच्चे सिलेंडर जरूरी नहीं है, आप गॉसियन सरफेस सिलेंडर भी ले सकते हो और इमेजिनरी सरफेस है आप उसको क्यूबिकल भी ले सकते हो, क्यूबॉइडल भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि सिलेंडर क्यों लिया, नहीं बच्चे जरूरी नहीं है, आप सिलेंडर के अलावा जैसे और भी चीजें ले सकते हो, बट बेटर ये है कि गॉसियन सरफेस की चॉइस जो हम करते हैं किसी भी केस में उसमें हम एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग ई ए कॉस थीटा लगाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। देखो अच्छा जैसे मान लो अभी ये फॉर्मूला है, अब पहले ये फॉर्मूला समझते हैं फिर हम आपको बताते हैं पूरे ढंग से एक एक चीज समझाते हैं। ये फॉर्मूला है क्या पहले ये समझो कि हम क्या करना चाह रहे हैं क्या नहीं करना चाह रहे हैं इसको लेके। तो पहले एक चीज समझो, एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझना, मैं नीचे करके आपको समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो ये एक हमारा स्फीयर है, इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, इसमें क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब जितना क्यू चार्ज फ्लक्स एमिट करेगा उतना ही फ्लक्स स्फेरिकल सरफेस से पास होके बाहर जाएगा, ये समझे या नहीं समझे बोलो बच्चे, बोलो भाई। समझ गए सर, समझ गए सर। जितना फ्लक्स एमिट होगा सर, क्योंकि वो अंदर है। अब इसको हम लोग अगर देखें तो अंदर से जितना, जैसे मान लो एक रूम होता है, रूम के अंदर बल्ब लगा, बल्ब लगाया, तो बल्ब लगाया हमने रूम के अंदर, तो बल्ब जितनी एनर्जी छोड़ेगा उतनी टोटल एनर्जी दीवारों पे पड़ेगी, तो ये स्टेटमेंट है। तो जितना एमिट हो रहा है उतना पास हो रहा है, ये हम कह सकते हैं। तो सेम सिचुएशन ये भी होती है, जैसे मान लो ये हमारा ये है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि इतना फ्लक्स एमिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा एक सरफेस से पास होगा, कुछ हिस्सा दूसरे सरफेस से पास होगा, और कुछ हिस्सा किससे पास होगा, तीसरे से पास होगा, और जितना जितना एमिट होगा उतना पास होगा, समझे या नहीं समझे बोलो बच्चों। यस सर, यस सर। जितना एमिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट, क्योंकि वो इनक्लोज्ड है ना, जितना वो छोड़ेगा वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगा ही निकलेगा, कुछ फर्स्ट से निकल जाएगा, कुछ सेकंड से निकल जाएगा, कुछ थर्ड से निकल जाएगा। तो ये हमारा गॉस थ्योरम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो हमने तीन सरफेस माने। अच्छा क्वेश्चन ये आता है, एक बच्चे पूछते हैं सिलेंडर ही क्यों माना है यहाँ पर, आप कोई और शेप क्यों नहीं मान सकते थे? देखो अच्छे होता क्या है, शेप वो मानो जिसमें ई ए कॉस थीटा ढंग से लग सके, एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। यहाँ सिलेंडर मानने का कारण क्या है, देखो बच्चे देखो, एक वायर है, एक वायर ली, एक वायर ली हमने, जैसे सिलेंडर माना है, ठीक है। तो सिलेंडर में क्या है, एक तो पहले ये देखो ये वायर की वजह से हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा इस वायर से यहाँ का, ये एक्स ये वाई ये जेड, मतलब वायर से सिलेंडर के कर्व सरफेस का हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। कुछ कुछ शेप आप ले सकते हो उसमें डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। कोई बच्चा कहे सर स्फीयर मान लो, ये सर हम ये वो ये कॉस सरफेस ले रहे हैं, हम लाइन का वो निकाल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड एक। हाँ बच्चे बोलो, ये हम कॉस सरफेस ले रहे हैं ना जिससे हम एक लाइन का वो निकाल सकते इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है। हाँ 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 हाँ, हमारा मेन काम ये है कि लाइन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल। अब जैसे मान लो कोई कहे सर स्फीयर क्यों नहीं ले लेते, यार देखो ना स्फीयर में ये पॉइंट है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दूरी अलग है, ये अलग है, ये सारे डिस्टेंस अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो वो उसके लिए हमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम ऐसा चूज करते हैं कि जैसे फर्स्ट सरफेस सेकंड सरफेस थर्ड सरफेस ले रहे हो तो सरफेस के हर पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे, समझे बच्चे, समझे या नहीं समझे। जैसे ये वायर है ये दूरी या फिर कोई और पॉइंट की दूरी उठा लो, यहाँ पर कोई भी पॉइंट की दूरी, ये पॉइंट की दूरी हर पॉइंट की दूरी यहाँ पर क्या है, वायर से क्या है, सेम ही है। तो ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल ना हो, हर पॉइंट पे सेम ही हो। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको ना इसमें ना सबसे पहले एंगल देखते हैं कि किस किस सरफेस में क्या क्या एंगल बनेगा। पहले इस फिगर को ढंग से और दोबारा से देखते हैं। ये हमारा
गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी सरफेस है, ये हमारी इनफाइनाइट वायर है, ये हमारी इनफाइनाइट वायर है। इस इनफाइनाइट वायर की लेंथ कितनी है? एल लेंथ है। समझ रहे बच्चे? हेलो। यस सर। ठीक है, अब ये हमारा हुआ फर्स्ट सरफेस, ये हमारा हुआ सेकंड सरफेस, और ये हमारा हुआ थर्ड सरफेस। वी हैव दीज थ्री सरफेसेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होती है? देखो वायर है, वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होगी? रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, इधर ऐसे और नीचे ऐसे, क्योंकि वायर पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, मान लो वायर पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड होगी हर पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पे हर सरफेस के साथ क्या क्या एंगल बनेगा? अच्छे देखो, हमने ये नोट्स ये अपलोड किए हुए, तो देखो अच्छे ये दिख रहा है आप लोगों के सामने, दिख रहा है? ये वो है जो आपको नोट्स में, जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये खुल जाएगा, डेरिवेशन का पेज है। तो इसमें ये फर्स्ट सरफेस है हमारा। फर्स्ट सरफेस पे देखो अच्छे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर ही जा रही है, हर पॉइंट पे ऊपर या नीचे जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे जा रही है वायर से, अवे, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, ऐसे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ले लो नीचे, बट एरिया वेक्टर फर्स्ट सरफेस का बाहर की तरफ होगा। जैसे मान लो सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया वेक्टर कैसे कैसे आएगा? देखो अच्छे, सिलेंडर है अगर मान लो, दिख रहा है आपको, तो इस साइड का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस साइड का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस साइड का एरिया वेक्टर रेडियली आउटवर्ड। समझे बच्चे? एरिया वेक्टर हमेशा अवे होता है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है? अवे होता है। तो जैसे मान लो इस साइड का एरिया वेक्टर दिख रहा है लेफ्ट साइड, राइट साइड का एरिया वेक्टर राइट साइड, और इसका ऊपर, तो पहले सरफेस में एंगल कितना बन रहा है? पहले सरफेस में एंगल बनेगा, पहले सरफेस में अगर देखोगे, जैसे ये हमारा एक सिलेंडर हुआ, ये हमारा सिलेंडर हुआ, एरिया वेक्टर इसका इस साइड हो गया, इसका एरिया वेक्टर इस साइड हो गया, इसका एरिया वेक्टर इस साइड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम हमेशा रेडियली आउटवर्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर की तरफ ही है, ऐसे यहाँ पर भी ऐसी ही है, यहाँ पर भी ऐसी ही है, और यहाँ पर भी ऐसी ही है। तो इस केस में, पहले केस में, इस केस में एंगल कितना बन गया? इस केस में एंगल बना 90, इस केस में एंगल कितना बना? 0। आवाज आ रही है बच्चों? हेलो। यस सर। आ रही है। इस केस में एंगल बना 90 डिग्री। तो फर्स्ट सरफेस के केस में एंगल बना 90, सेकंड के केस में बना 0, थर्ड सरफेस के केस में एंगल बना 90। देख रहे हो बच्चों, फिगर आपके सामने है, ये एक फिगर ड्रॉ की हुई है हमारे पास अच्छे से। और किसी को बच्चे कोई डाउट हो तो पूछो यार मुझे इससे रिलेटेड, क्योंकि यार देखो फिजिकली समझाने में और ऐसे समझाने में थोड़ा फर्क होता है। तो बताओ बच्चे, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। खैर, इसकी नो सर, इसकी डेरिवेशन की वीडियोस आपको पता ही अच्छे, बोर्ड वाली मैंने अपलोड कर रखी है, आपको लिंक भी दे रखा है बोर्ड वाली वीडियोस का, तो आप उसे देख सकते हो, बोर्ड वाली वीडियोस का लिंक भी दे रखा है आपको। तो बच्चों ये हमारे पास है, और इसमें क्या है कि फर्स्ट सरफेस में एंगल कितना बन रहा है? अगर आप देखो तो फर्स्ट सरफेस में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, सेकंड सरफेस में एंगल बन रहा है 0 डिग्री, और थर्ड सरफेस में बन रहा है एंगल 90 डिग्री। तो अगर हम लोग तीनों सरफेस पे ऐसे ये वैल्यू यूज करते हैं तो क्या होगा? ये रहा, ये है तीन तीन सरफेस, पुट करते हैं बच्चों। लास्ट टॉपिक अच्छी है चैप्टर का, लास्ट टॉपिक ऐसे समझ लो अच्छे से सर। हाँ बोलो अच्छे, बोलो। अभी वो भी तो रह गया प्लेन शीट वाला, मतलब बच्चे वो गॉसियन सरफेस के एप्लीकेशन में ही है सारा का सारा, लास्ट टॉपिक है सब। अच्छा। ठीक है, सारा का सारा लास्ट टॉपिक ही तो हुआ ना, डेरिवेशन लास्ट नहीं है ना, डेरिवेशन लास्ट टॉपिक में तीन डेरिवेशन हैं। ये हो गया सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया सिलेंडर, ये इस साइड का एरिया वेक्टर, ये इस साइड का एरिया वेक्टर A1, ये इस साइड का एरिया वेक्टर A2, ये इस साइड का एरिया वेक्टर A3। समझ गए अच्छे, तीन एरिया वेक्टर हो गए, ठीक है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट के लोगे तो ये यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड अवे ही है क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अवे है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर। तो पहला एंगल बना 90, दूसरा एंगल बना 0, तीसरा एंगल 90 डिग्री। हाँ बोलो बच्चों, बोलो। हेलो बोलो बच्चे, बोलो। अरे कोई बोल रहा था, ओम। अरे सर ओम सो गया सर, मैं नहीं बोल रहा था। अच्छा हेलो, हाँ बच्चे हो गया, ये दिख रहा है अब कैसे लिखा। अब वैल्यूज पुट करना चालू कर देते हैं, अब वैल्यूज पुट करना चालू कर देते हैं बच्चे। इसमें हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो जितना फ्लक्स छोड़ा जा रहा है उतना फर्स्ट, उसका कुछ हिस्सा फर्स्ट से, कुछ हिस्सा सेकंड से, कुछ हिस्सा थर्ड से पास हो रहा है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इवन, अब इस सरफेस से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इवन E2 E3 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक्चुअली क्या, पहले तो आप सिर्फ इसको E1 A1 लिखो और साथ में एंगल कितना हो गया, पहले सरफेस के लिए एंगल हो गया कॉस 90, लिख दिया, ठीक है बच्चों। यस सर, यस सर। दूसरे सरफेस के लिए क्या हो गया, E2 A2 cos 0, और तीसरे सरफेस के लिए क्या हो गया, E3 A3 cos 90। cos 90 कितना होता है भाई, बोलो cos 90 कितना, 0 0 ये दो तो गए 0 और cos 0 1 होता है। बचा क्या, अगर देखा जाए तो बचा E2 A2, ये बचा। लेकिन E1, E2, E3 तो इक्वल है। वो तो अच्छा ठीक है, मतलब अभी हमने उसको नाम E1, E2, E3 दे दिया है, वो तो हमें मैटर नहीं करता। बट खैर अगर वो जीरो है तो क्या फर्क पड़ता है, वहां से तो कोई फ्लक्स जा ही नहीं रहा ना। यस सर। अच्छा रही बात ये कि सेकंड सरफेस में है हमारा E2 A2 हो रहा है, तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं हम। अब देखो अच्छा हुआ क्या, यहाँ से हमें क्या समझा, इससे हमने क्या समझा, इससे इसकी अंडरस्टैंडिंग पहले समझो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मान लो ये गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर अंदर यहाँ पर एक वायर सी है, ठीक है। तो फ्लक्स मेनली सिर्फ सेकंड सरफेस से पास हो रहा है, फर्स्ट सरफेस और इससे कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, इस सरफेस से और इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स ऐसे निकल रहा है। समझ रहे हो बच्चे, जैसे ट्यूबलाइट होती है, ये ट्यूबलाइट है किनारे से बंद होती है ऐसे, तो सारी लाइट कहाँ से निकलती है, इधर से और इधर से ही निकलती है ना सर, पीछे इधर से तो लाइट नहीं निकलती ना, इधर से तो सेम यहीं पे सारा फ्लक्स ऊपर नीचे से निकल रहा है, राइट लेफ्ट से कोई फ्लक्स नहीं निकल रहा है, तो इसलिए फर्स्ट सरफेस और थर्ड सरफेस का फ्लक्स क्या हुआ, यहाँ पर जीरो हो गया। तो ये रहा हमारे पास आंसर। अब ये क्या हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 लिख दो, और एरिया क्या लेंगे बच्चे, कोई बच्चा बताएगा एरिया क्या लेंगे हम लोग, एरिया यहाँ क्या लेंगे, बताओ क्यों बच्चे, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इसको नीचे ले आओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, अब इसको E2 नहीं लिख के सिर्फ E लिख देते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू 2πRL, ये आ गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, क्यू बाय 2πRL एप्सिलॉन नॉट आर एल, ठीक है। इसको कुछ और लिख सकते हैं, इसको कुछ और लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर, हमने लास्ट में एक चीज पढ़ी थी, क्यूकी वैल्यू, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा, लैम्डा चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ, एक वायर के गिवन लेंथ पे कितना चार्ज है उसे कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको लैम्डा कहते हैं। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2π एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला होगा। समझे बच्चों, बोलो बच्चों, बोलो। यस सर, यस सर। अच्छा इसको चाहो तो थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हो, एक फॉर्म में और लिख सकते हो कैसे, इधर देखो, देखो बच्चे 1/4π एप्सिलॉन नॉट के होता है, हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था के इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट। तो अगर चाहो तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो इधर दोनों साइड, 2k लैम्डा बाय, तो ये नीचे कट जाएगा, ये नीचे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2k, 1/2π एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा,
यहाँ पर 1/2 pi epsilon 0 को हटा के क्या लिख देंगे, 2 के ले लेंगे, 2 के लैम्डा बाय आर, 2 के लैम्डा बाय आर, आया अच्छा? यस सर। तो ये बच्चों डेरिवेशन कहाँ है भाई, एक तो वीडियो में आपको मिल जाएगा जो ढंग से मैंने आपको वो दिखा रखी है, दूसरा ये बच्चों ये इस इंटीग्रेशन की फॉर्म में कर रखा है मैंने यहाँ पर, बट ऐसे चाहो तो बिना इंटीग्रेशन की फॉर्म में भी कर सकते हो आप। ये बच्चों ये डेरिवेशन सॉल्यूशन पूरा दिखा रखा है यहाँ पर, देख रहे हो आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है। और चलो अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, खैर अब इसको यूज कैसे करना है देखते हैं। ये कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है बच्चों ये बताओ, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, आर के इनवर्सली, आर के इनवर्सली। इसका ग्राफ कैसा आएगा, कोई बच्चा बताएगा ग्राफ कैसा आएगा इसका? सर डाउनवर्ड आएगा, लीनियर सर, कर्व बनेगा नीचे की तरफ, इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। यस समझ रहे हो बच्चे? यस सर, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है चलो इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। और अब कुछ क्वेश्चन वोशन देखें बच्चों कैसे कैसे है, कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह देखते हैं। चलो चलो कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। 2 के लैम्डा बाय आर, एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, ये जो सॉल्यूशन है किसके लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए। कैसी वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इससे 1 meter दूरी पे देखते हैं चलो कि कौन बच्चा कर पाता है। चलो देखते हैं, 2 coulomb का एक चार्ज रखा हुआ है, समझ रहे हो बच्चे? हेलो हेलो सर, समझ गए सर, समझ गए। वो जो चार्ज है 2 coulomb का है और आपको उस पर बताना है कितना फोर्स लग रहा होगा इस टाइम पर, फोर्स ड्यू टू वायर। ठीक है, अगर इस वायर का जो लैम्डा है वह 2 coulomb per meter, सर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वो, बच्चा आप बताओ ना कि आप बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना सिखाया है ना हमने आपको, क्या है 2 के लैम्डा बाय आर, सर लैम्डा की वैल्यू दिया तो बच्चे। सर ई निकाल के क्यू से मल्टीप्लाई, शाबाश बच्चे शाबाश। किन तुषार कौन है, तुषार है? यस सर। निकालो अच्छे सर, 7.2 × 10^10 न्यूटन। देखें बच्चों देखें सर, देखें सर, हाँ बोलो बोलो बच्चे बोलो, आ रही आवाज? 7.2 × 10^10 न्यूटन। मैंने बच्चे रैंडमली दिया, देखते हैं चलो करें। यस सर। चलो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। देखो बच्चों F इज इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है QE। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स निकाला जा सकता है, पहले उसकी फील्ड कितनी है कितनी स्ट्रांग है निकाल लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो 2K, K क्या होता है 9 × 10^9, लैम्डा क्या है 2 और डिस्टेंस कितना है 1 meter, ये आ गया कितना आ जाएगा 9 × 18 = 36 × 10^9 न्यूटन पर कूलम, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, क्यू कितना है 2 और ई कितना है 36 × 10^9, क्या आ जाएगा 72 × 10^9
9 न्यूटन हो गया। बोलो भाई बोलो सर। आगे बढ़े बच्चों। यस सर हो गया। ये जो डेरिवेशन है पहला डेरिवेशन है कि एक वायर के वायर से कुछ दूरी पे क्या क्या फील्ड होगी ये निकालने का, गॉस थ्योरम से निकालते हैं। अच्छा मैंने आपको फिर से मैं कह रहा हूँ मैं बोर्ड वाली रिकॉर्डिंग भेज रखी है। यहाँ हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, समझ में आ रहे मुक्ताक्षी? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी तीन सरफेस होंगे, सिलेंडर के तीन सरफेस होते हैं आपको पता होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। ये जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस है, ये जो सरफेस है वो सेकेंड सरफेस है, और ये जो सरफेस है थर्ड सरफेस है। वी हैव थ्री सरफेसेस, समझ में? कुछ फ्लक्स जितना वो एमिट करेगा कुछ फ्लक्स फर्स्ट से बाहर आएगा, कुछ सेकंड से बाहर आएगा, कुछ थर्ड से बाहर आएगा। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में से कुछ फ्लक्स फर्स्ट से बाहर आएगा, इवन ए वन कॉस थीटा वन, कुछ सेकंड से बाहर आएगा ई टू ए टू कॉस थीटा टू, और कुछ थर्ड से बाहर आएगा ई थ्री ए थ्री कॉस थीटा थ्री। ये समझ में आ गया मुक्ताक्षी? देखते जाना, कहीं पूछना हो तो बोल देना, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, ठीक है? बाकी फील्ड किधर किधर होगी, फील्ड किधर किधर होगी, ये शीट है, फील्ड अवे होगी इधर इधर। अगर दोनों फिगर मिला लें, दोनों को कंबाइन कर लें, तो हमारी ऊपर वाली फिगर आ जाएगी। तो उस हिसाब से किधर किधर फील्ड होगी, फील्ड यहाँ तो राइट साइड होगी या लेफ्ट साइड होगी। तो जैसे हमने अलग अलग जगह पे फर्स्ट 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 रीजन में हमने ले लिया, ऐसे सेकंड रीजन में ले लिया, ऐसे थर्ड रीजन में ले लिया, तो फर्स्ट रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी लेफ्ट साइड होगी, और थर्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड होगी, और सेकंड रीजन में आप राइट लेफ्ट कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात बराबर ही है क्योंकि एंगल 90 डिग्री आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, इसमें एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री, सेकंड रीजन में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, थर्ड रीजन में एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब ये वैल्यू लगा देते हैं, 0 90 0 ऊपर पुट कर देते हैं, 0 90 0, ये तो 0 हो गया पूरा का पूरा, कॉस 90 0 होता है, और ये क्या हुआ, ये हुआ ई वन ए वन, और कॉस 0 1 हो जाता है, और ये हुआ E3 A3। अगर हम यहाँ गौर से देखें तो ई वन ए वन और E3 A3 बराबर ही आएगा, ई वन ए वन और E3 A3 बराबर ही आएगा। क्यों बराबर आएगा भाई, रीजन ये है कि एक्चुअली क्या है कि एरिया भी सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है। अब ये फर्स्ट रीजन देखो अब यहाँ पर, और सेकंड देखो, दोनों ही सर्कल हैं, दोनों का एरिया बराबर है, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी, बराबर ही होगी, क्योंकि दोनों की दूरी भी सेम ही है प्लेट से। तो E3 A3 और E1 A1 बराबर होगा, तो उसको ई ए मान लो, सिर्फ ई ए मान लो, तो क्या हो जाएगा, ई ए क्या हो जाएगा, 2 EA हो जाएगा। ठीक है, बोलो अच्छी, बोलो बोलो मुक्ताक्षी। यस सर, ठीक है। ठीक है, अब इसको नीचे ले जाओ, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टू, यार ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बताओ, क्यू बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए, ये आ जाएगी। ठीक है, और चार्ज बाय एरिया क्या होता है हमने पढ़ रखा है, व्हाट इज चार्ज बाय एरिया, चार्ज बाय एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा, यस सर। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस सिग्मा होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी यहाँ पर, समझे? नहीं समझ गए ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं, तो चक्कर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई यहाँ पर, और
अब मुक्ताक्षी इसमें आगे के साथ है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है प्लेट की? नहीं सर। तो इसका मतलब कि एक तरीके से थ्योरेटिकली देखा जाए तो वो डिस्टेंस से डिपेंड नहीं कर रही, मतलब ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे सेम ही होगी, चाहे पास में चाहे दूर में हो। Yes, तो सही में थ्योरेटिकली डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी। ठीक है, बट ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है क्योंकि इनफाइनाइट शीट हो ही नहीं सकती है, पहली बात हमने शीट को इनफाइनाइट मान रखा है। आगे बढ़े। Yes, sir. अब हम आते हैं आगे, तो जैसे मान लो शीट है ये हमारी, ये दूसरी शीट है हमारी, अगर दो पॉजिटिव शीट है और दोनों बगल बगल में रखी हुई हैं, तो हम तीन रीजन ले लेते हैं, यहाँ नहीं करते, जो पीछे नीचे कर लेते हैं, जगह खाली नहीं है ना। एक शीट ये, एक शीट ये, तीन रीजन ले लेते हैं हम, रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री। तीन रीजन ले लेते हैं, ठीक है अच्छी। तो इन रीजन में फील्ड कैसे निकालेंगे हम? तो यहाँ प्लेट ए, मान लो दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा और सिग्मा, प्लेट इस रीजन में ए प्लेट ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, राइट साइड या लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट साइड। शाबाश। प्लेट बी की वजह से फील्ड किधर होगी? लेफ्ट साइड ही होगी। अच्छी, अवे 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 ही होगी, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है ना। यस सर। यस सर। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? सर यस समझ में? पर बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव इसकी वजह से भी अवे, नेट क्या हो जाएगी? जीरो। सेकंड रीजन में बोलो मुक्ताक्षी। यस सर। और तीसरे रीजन में क्या होगा बताओ? थर्ड रीजन में क्या होगा? बोलो बोलो। पॉजिटिव दोनों की वजह से अवे ही होगी, पॉजिटिव की वजह से अवे ही अवे, दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी और आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझे या नहीं समझे? यस सर। मुक्ताक्षी लिख लो यार इसको, कॉपी पे लिख लो अच्छे से, ये प्लस रिजल्ट लिख लेना, रिजल्ट रिजल्ट लिख लेना डायरेक्टली, या फिर ड्रॉ कर लो पूरा, ये स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर ले लिया। ठीक है आगे बढ़े। तो यस सर, कॉल आ रही किसी की। हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, आर समाज मंदिर के पास, आर समाज मंदिर के पास बोलिए, आर समाज मंदिर, आर समाज मंदिर।
हाँ मुक्ताक्षी, कोई पार्सल वार्सल आना था। हेलो हेलो हेलो, लिख लिया? हेलो मुक्ताक्षी लिख लिया? कॉल आई है सर मम्मी की। किसको किसको? आपको? सर क्लास कितनी देर में खत्म होगी आप बताओ? अच्छी कब तक पढ़ना है ये बताओ मुझे। सर आप बताइए सर, आप टीचर हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अच्छी, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया फॉर्मूला? यस सर। तो अब इसके बाद क्या है, लिख लिया? अब अगर एक शीट पॉजिटिव हो एक शीट नेगेटिव हो तो क्या होगा? रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। ए शीट बी शीट, बताओ मुक्ताक्षी क्या होगा? पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव से टुवर्ड्स। यस सर। यहां कट जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर दोनों की फील्ड बराबर है तो, दोनों की सरफेस डेंसिटी सेम है तो। यहां पॉजिटिव से अवे और नेगेटिव से उसके पास, नेगेटिव के पास आते हुए दोनों का ऐड हो जाएगा। समझ आए मुक्ताक्षी? यहाँ नेट हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, नेगेटिव के पास और पॉजिटिव का अवे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। बोलो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आ जाएगी, लेफ्ट में जीरो, राइट में जीरो, और बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मुक्ताक्षी, आगे बढ़े। चलो अच्छी, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं थर्ड